आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम पब्लिक और सरकार, जिसमें हमारे संवाददाता जिले जिले, क्षेत्र क्षेत्र और विधानसभाओं में जाके बात कर रहे हैं जनता से और जान रहे हैं उनका मूड क्या है, आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, किन चीजों से खुश है और किन चीजों से नाखुश है जनता। सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता। तो आज किन मुद्दों पर बात हुई और किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, देखिए। 2022 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। आइए हम बात करते हैं जनता जनार्दन से, अब की बार विधायकी का ताज किसके सजेगा। हम खड़े हैं इस टाइम सीसा मऊ विधानसभा क्षेत्र में। ये एक बड़ी विधानसभा है, इसको लेकर तरह तरह के बारे में चर्चाएं होती रहती हैं कि अब की बार का विधायक कौन आएगा, अब की बार कौन है। तो आइए हम यहाँ कुछ सम्मानित लोग और कुछ जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, चलिए हम इनसे बात करते हैं, इनकी राय जानते हैं कि अब की का विधायक का ताज किसके ऊपर सजेगा। चलिए हमारे साथ मौजूद है, देखते हैं, बात करते हैं जी। विधायक हाजी इरफान सोलंकी हमारे क्षेत्र के सबसे अच्छे विधायक हैं और मैं चाहता हूं कि जहां पर जो भी काम माननीय विधायक हाजी इरफान सोलंकी ने पूरे कानपुर अपनी विधानसभा को चमकाने का काम किया है, कहीं पर भी कोई काम छूटा नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं अब की बार चौथी बार फिर इरफान सोलंकी को जिताएं और उन्हें मंत्री बनाएं। अब की बार आप किसको वोट देना चाहते हैं? इरफान सोलंकी को। क्यों इरफान सोलंकी को क्यों वोट देना चाहते हैं? इसलिए कि वो हमारे 5 साल बीच में रहते हैं और हमारी समस्या को सुनते हैं। जो भी यहाँ की पब्लिक की समस्या होती है उसका समाधान करते हैं, वो चाहे वो लाइट से हो या बिजली से हो या पानी से हो या अस्पताल में कोई आदमी मरीज परेशान है उसकी पूरी वो सुविधा करते हैं। हाजी इरफान सोलंकी जी, आप क्या, आप यहीं के वोटर? जी मैं यहीं सीसामऊ विधानसभा का मैं वोटर हूं और हाजी इरफान सोलंकी साहब को वोट दूंगा। तो उनकी क्या मतलब, ऐसा क्यों है कि सभी लोग इरफान सोलंकी जी को वोट देना चाहते हैं? क्या ऐसी क्या बात? बात कुछ नहीं है, वो काम करते हैं और हमारी विधानसभा में टहला करते हैं वो अपनी हर वक्त। हम लोगों को तमाम, आप जहाँ पे खड़े हैं ये सब गलियाँ उनकी ही बनवाई हुई हैं और जो भी ज़रूरत होती है हम लोग उनको याद करते हैं, वो आ जाते हैं और हम लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। मान ली हमने किसी को भी हमने कुछ उल्टा सीधे हरकत करी या किसी के बहकावे में आ गए तो हमारा नुकसान होगा उसमें, और इसलिए हम लोग हाजी इरफान सोलंकी साहब को हम लोग पसंद करते हैं और उनको ही वोट देंगे और इंशाल्लाह चौथी बार उनको विधायक बनाएंगे। और चौथी बार क्या, पांचवी बार, छठी बार, आगे तक आप पूछ लीजिए, मैं बता दूं जब तक जिंदा हूं जब तक इंशाल्लाह हाजी इरफान सोलंकी को, जब तक वो यहां से लड़ेंगे हम लोग वोट उन्हीं को करते रहेंगे। और मैं जनता से भी यही अपील करना चाहता हूँ, कहीं ना भटकें, क्योंकि कहीं कुछ नहीं ना, सिर्फ गुब्बारे में हवा है और सुई लगेगी और गुब्बारा हवा निकल जाएगी। इसलिए अपने वोट को बटने ना दें और हाजी इरफान सोलंकी साहब को वोट करें और वही जीत रहे हैं और वही जीतेंगे। अब बाकी दूसरे लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, बस मेरा वोट हाजी इरफान सोलंकी को जाएगा। जैसा इन्होंने कहा कि हाजी इरफान सोलंकी को वोट देना, वही जीत रहे हैं, तो हम दूसरे लोगों से बात करते हैं, क्या वो भी इन्हीं के सपोर्टर हैं या कुछ और, किसी और को अपना विधायकी का ताज पहन? चलिए हम दूसरे लोगों से बात करते हैं। चाचा, आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? जी इरफान सोलंकी को। क्यों वोट देना पड़ा? भाई उनके अच्छाई ये है कि जो है हम लोग के बीच में जो है रहते हैं, अभी इससे पहले जो है ये क्या नाम लॉकडाउन लगे थे, दो दो तीन तीन बजे रात तक हम लोग बीच में जो है पूरा पूरा इलाका जो है टहलते रहते थे। इनके अच्छाई है, इसी वजह से जो है हम पूरी कोशिश यही करेंगे, हम भी वोट देंगे और अपने दोस्त यारों को और पूरे महल्ले वालों से गुजारिश करेंगे कि वोट दिलाने की। आइए और भी दूसरे लोगों से बात करते हैं, देखते हैं उनसे क्या राय है, वो किसको वोट देना चाहते हैं। यहाँ तो ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि हम विधायक इरफान सोलंकी को हैट्रिक विधायक बताते हुए कि इरफान सोलंकी को वोट। चलिए दूसरे लोगों से, भैया क्या आप यहीं के वोटर? जी मैं यहीं का वोटर हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद असद अंसारी। अब की बार आप किसको अपने क्षेत्र से विधायकी का ताज देना चाहते हैं? हाजी इरफान सोलंकी साहब को। इतनी क्या अच्छाइयाँ जिसको लेकर पूरी जनता जनपद सभी लोग उनको वोट देना चाहते हैं? सर यहाँ की रोडें इतनी ख़राब थीं कि आदमी चलने में गिर जाता था, तो ये अच्छाई ये है कि हमारे हाजी इरफान सोलंकी साहब ने यहाँ की रोडें बनवाई, चलने के लायक करा हम लोगों को, इसलिए हम हाजी इरफान सोलंकी साहब को वोट देना पसंद करते हैं। चलिए यहाँ पर सभी लोगों ने यही कहा कि वो विधायक इरफान सोलंकी को ही वोट देना पसंद करते हैं, विधायक इरफान सोलंकी को ही विधायकी का ताज पहनाना चाहते हैं। और बच्चों को ये देखिए, बच्चों में कैसा आक्रोश है इरफान सोलंकी को लेके, कि ये बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे जिनको ये देखते हुए आप देखिए कैसे कैसे, ठीक है
उसके बाद हम बात करते हैं कि अब की बार सीसा मऊ के ये हैट्रिक विधायक रहे। लोगों का कहना है कि इन्हीं को विधायकी का ताज पहनाया जाएगा। वीडियो चैनल निखिल गुप्ता के साथ मैं रिजवान आलम, प्राइम टीवी न्यूज़ कानपुर। आज हम सुल्तानपुर जनपद के सबसे बड़ी विधानसभा लभुआ 190 विधानसभा में खड़े हैं। इस पावन धरती का ये महत्व है, यहाँ पे भूपाप घाट है, यहाँ पे भगवान श्री राम जो है लंका दहन करने के बाद जब रावण का वध किए थे उसी भूपाप घाट पे यहाँ पे जो है स्नान कर किए थे और धनुष बाण भी अपना धुले थे। सपा बसपा कांग्रेस भाजपा इस चुनावी मैदान इस बार यूपी का सीएम कौन होगा? आदरणीय अखिलेश यादव जी। आदरणीय योगी जी क्यों नहीं? योगी जी विकास के नाम पर पूरी तरह से थे। कौन सा विकास? योगी जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस आपका बन गया, आपका जो है राम जन्मभूमि मंदिर बन गया, काशी कॉरिडोर भी बन गया और विंध्याचल का जो है मंदिर जो है पूरी तरह से बन गया, क्या नहीं किया? रोजगार के नाम पे कुछ बना? रोजगार में क्या मुख्यमंत्री जी का नौजवान बेहाल है पूरी तरह से। पूरे उत्तर प्रदेश में नौजवान आदरणीय अखिलेश यादव की राह जो रहा है, समाजवादी सरकार बने, युवाओं को रोजगार मिले, हम लोगों को रोजगार की आवश्यकता। तो आपने सुना इनका कहना है कि रोजगार की आवश्यकता है, तो रोजगार योगी जी कह रहे हैं कि रोजगार हमने पूरा दे दिया है जो है रोजगार पूरी तरीके से, तो आप क्या कहना है? इनका रोजगार इनके कागज के पन्नों पर है और दिखाई नहीं दे रहा है। युवा दर दर भड़क रहा है सड़कों पर, अब भुखमरी बेरोजगारी फैल चुकी है। इस कोरोना काल में जो मदद किया योगी जी ने आप स्वयं देख लिया। योगी जी कह रहे हैं कोरोना काल में हमने जो है बहुत मदद किया, लोगों को राशन बांटा है, दवाइयाँ दी हैं, हॉस्पिटल हमारे सब डॉक्टर जो है तैनात थे। आप कह रहे हैं कोरोना काल में कोई मदद नहीं हुई है? समाजवादी पार्टी में एम्बुलेंस चलवाने का काम किया था, आप यहीं हमारे विधानसभा में जाके देखिए तुम वहाँ चौराहे पे जितनी एम्बुलेंस समाजवादी पार्टी में चल रही थी सब वहाँ जो है कबाड़ के रूप में खड़ी हुई हैं। कोरोना काल में एम्बुलेंस की जरूरत थी। ये कह रहे हैं कोरोना काल में एम्बुलेंस की जरूरत थी, एम्बुलेंस चल रहे थे, समाजवादी पार्टी सरकार की देन है। योगी जी कहते हैं कोरोना काल में हमने पूरी व्यवस्था की थी। योगी आदित्यनाथ ने कुछ नहीं किया है और इनकी झूठी सरकार है और झूठे वादे हैं और इनके सरकार में जो है लोग नाना प्रकार के खासे पीड़ित हैं। किस प्रकार पीड़ित हैं? आपको राशन मिल रहा है, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, रोजगार कर दिया, किस तरीके का? कुछ नहीं मिला है न। महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, भाइयों के साथ महंगाई पर इतना उठिए है और साढ़ छुट्टा छोड़ दिए हैं, पूरा किसानों का खेत जो है सब नुकसान कर दे रहे हैं। वो तो गौशाला बनवाए, गौशाला तो बना है, कह रहे हैं कि गाय हमारी गौशाला में है। गौशाला कहाँ कार्ड कहाँ है? कोई खाना नहीं पा रही, सब खेत में चर रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं, झूठी सरकार है। इस बार उत्तर प्रदेश का सीएम कौन होगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। योगी जी कह रहे हैं कि जो है हमारा 315 की सीटें आएंगी। नहीं, सबसे ज्यादा सीटें निकलेंगी अखिलेश यादव की। इस बार यूपी का सीएम कौन होगा? अखिलेश यादव। क्या अखिलेश यादव के अंदर क्या खासियत है? अखिलेश यादव, अखिलेश यादव युवाओं के लिए नौकरी व्यवस्था, किसानों के लिए सिंचाई मुक्त, दवाई मुक्त, उनके कार्यकाल में जो कार्य हुए सब का जो है किसानों के बीच में, जनता के बीच में दिखाई पड़ रहा है। नहीं, योगी जी के कार्यकाल में भी तो काम हुए हैं, आपका राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है, आपका काशी डोर बन रहा है, विंध्याचल बन रहा है, वो कह रहे हिंदू जगाने के लिए पूरा जो है संगठित है। बड़े भाई, ऐसा है जो आप कह रहे हैं इससे गरीबों का पेट भरेगा? गरीब तो रोटी के लिए मोहताज हैं, दवा के लिए मोहताज हैं, कपड़े लिए मर रहे हैं। इनसे राम का मंदिर बन जाने से इनको क्या लाभ मिलेगा बताइए? गरीबों के लिए उन्होंने चावल नहीं, राम का मंदिर का विरोध नहीं बने, लेकिन कम कम गरीबों के बीच जो योजनाएं लागू हो रही उस सरकार में सपा की, उसको इनको लागू रहना चाहिए। नहीं नहीं, गरीबों के लिए गेहूँ चावल और नमक और चना चीनी सब मुफ्त दे रहे हैं। भैया जो चना आ रहा है उसको पस नहीं खा रहे हैं, इतना घुना हुआ चना है, सड़ा हुआ,
नमक में खिड़खिड़ी आ रही है, उसको लोग खा नहीं रहे हैं। इसको देने से क्या फायदा, जब 5 महीने चुनाव रह गए, नमक चीनी चना आप दे रहे हो, इससे गरीब जी जाएंगे। और जब कोरोना काल था, कोई पाया नहीं, मर गए सब लोग, हैं दवा नहीं मिल पाई उस समय, जो है दवा नहीं मिल पाई उस समय, भोजन नहीं मिल पाया। योगी जी के राज में कुल चल लग गया बात है, धान गेहूँ इतना साल छोड़े यहाँ, किसान का कितना नुकसान हुआ, कभी आप लोगों ने आकलन किया? उन्होंने गौशाला बनवाया, गौशाला में कई साल बंद बांटे, कई गाय बंद बांटी गौशाला में, चल के आप देख लीजिए। वो कह रहे हैं हिंदुत्ववादी हम नेता है, हिंदुत्ववादी हमको नहीं चाहिए, हमको पेट भर रोटी चाहिए, हमारी खेती किसानी हमको चाहिए, हिंदुवादी लेके क्या करेंगे। वो कह रहे हैं कि हिंदू का सम्मान बचा हुआ 5 साल के कारण, कहाँ बचा हुआ है सम्मान, वो जब हम काम कहे बात है, सब राम मंदिर बनत ना, राम मंदिर बनता, राम मंदिर ऑलरेडी कोर्ट का आदेश है, उसमें उनकी क्या भूमिका है। अच्छा, अखिलेश यादव आएंगे तो गायों के लिए क्या व्यवस्था करेंगे? अखिलेश आएंगे तो उनकी जिम्मेदारी, अखिलेश शासन में इतनी गाय थी वहाँ, इतना साल घूमत रहे हैं कि आप जवाब दे दीजिए, थे इतने पशु से छुट्टा कभी। अच्छा, आप यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के त्योमणि के विधायक हैं, त्योमणि विधायक जो उनका एक ग्राहक है, नाली सड़क बनवाने और काम करते हैं, आज तक एक सांड ना पकड़ मिला, एक बछवा ना पकड़ मिला बात है, उनका काम भाई तो विधायक का, हमारे सब कुलचर उठत बाटे, नहर का पानी अभी एक महीना पहले आया है सर, एक महीना पहले नहर का पानी आया, 3 दिन चला है, उसके बाद कुछ नहीं हुआ भाई। दादा कहना है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बनेगी, बनेगी तो जो है अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सीएम बनेंगे। हमारे साथ एक नौजवान साथी है, ये बताइए इस बार यूपी का सीएम कौन होगा? यूपी का सीएम आदित्यनाथ योगी होगा। अब आगे का सवाल कीजिए आप। यहाँ लोग ये व्यक्तिगत बातें हैं, कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, यह राष्ट्रीय मुद्दा नहीं। आप कैसे भारत का सपना देखना चाहते हैं? आपका कश्मीर हुआ, आप लोग खुश हैं, अयोध्या मंदिर बना, आप लोग खुश हैं, काशी कॉरिडोर का काम हुआ, आप लोग खुश हैं, नेशनल हाईवे बना, आप लोग खुश हैं, लंबुआ दुर्गापुर, आप लोग खुश हैं। आप कैसे भारत का सपना देखना चाहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इससे पहले आप लोग किसी बड़े पोस्ट पर थे, तब भी आप पत्रकार थे, आज भी आप पत्रकार हैं? ये जो गाय भैंस का मुद्दा या व्यक्तिगत मुद्दा है, जब ये सपा की सरकार थी, जब काटे जाते थे रात में, लोग पकड़ते थे गाड़ियों को, ये पुलिस वाले छोड़ देते थे। आज योगी जी ने अवैध बूचड़खाना बंद करवा दिया, अब गाय भैंस छोड़ कौन रहा है? देखिए, सत्य बोलने का साहस कीजिए, जातवाद की राजनीति नहीं, राष्ट्र का प्रेम होना चाहिए, राष्ट्र धर्म राजधन, उसके बाद सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा। नहीं, अब गाय भैंस जो है किसानों के खेत चल रहे, खुद हम छोड़ रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं, आप छोड़ रहे हैं, सरकार छोड़ रही है, सरकार छोड़ रही है। यहाँ लोगों का कहना क्या, बिल्कुल आप कोरोना काल में देख लीजिए, आज भी 14 लाख के समर्थक निकले हुए हैं, जो कि मेडिकल स्वास्थ्य व्यवस्था सुपर पावर है, लेकिन आपके यहाँ क्या है? आपके यहाँ मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, लेकिन कोरोना क्या है? 2 लाख है, 132 करोड़ वाला देश। आज भारतीय जनता पार्टी से त्योमणि है 5 साल है, आप जो है जो कि पूरे प्रदेश गरीब है, कि भगवान श्री राम जो है लंका दहन करने के बाद जब रावण बच गए थे, यहाँ पे जो है वो आए थे, स्नान किए थे, अपने दो बार धुले थे, क्या उसका कायाकल्प जो है आपके जो है विधायक जी ने किया है? बिल्कुल किया है, आप जाके देखिए कितना बढ़िया फ्लाई ओवर बना है, यहाँ जाने के लिए रोड भी नहीं है, रोड तक नहीं बनी है, 5 साल में 5 साल की बढ़िया रोड बनी है, 5 साल का रोड नहीं बनी है, फ्लाईओवर सपा सरकार बना था, झूठ बोल रहे हैं, रोड तक नहीं बनी है, रोड जाने के लिए आपको गाय में नहीं है, देखा चाहिए बस बात 2-3 दस्तर है हमारे यहाँ, चरमाई नाथ धाम देख लीजिए, धोपा देख लीजिए।
से एक भी काम नहीं हुआ है। यहाँ तक नगर पंचायत टाउन एरिया है, वहाँ फार्म तक नहीं बिकता है। एक सवाल मेरा ये है कि संतोष पांडे जी के बड़े भाई अनिल पांडे जी भी इस बार विधायक रहे, दूसरी बार संतोष पांडे जी विधायक रहे, तीसरी बार चुनाव हारे वो है, तो दो बार के विधायक कार्यकाल में उन्होंने यहाँ पे क्या किया? बहुत काम किए थे, जैसे उनके समय में काम रोड बनी थी, हमारे यहाँ देख लीजिए बुधापुर मोड़ से हमारा गांव है, उधर रोड बनी है, तमाम सड़कें बनाई है, देख लीजिए संतोष पांडे जी के कार्यकाल में स्कूल बनाए, आईटीआई बनी है, नई तहसील का बताओ तुम पूरी बात। संतोष पांडे के रिज्यूम में अभिनव महाविद्यालय मंडल का पहला विद्यालय है जो पन्ना डिग्री में बना हुआ है, आईटीआई कॉलेज चाना में बना हुआ है, टॉप ऑफ का पुल बना हुआ है, 70 बेड का अस्पताल आप मौके पर जाके देख सकते हैं, और किनौरा आप जो है पावर हाउस देख लीजिए, आप भदैया में नया पावर हाउस देख लीजिए, और क्या लेना चाहते थे आप 5 साल में? संतोष पांडे जी समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी से संतोष पांडे का टिकट नहीं कटेगा। लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की जो सरकार नहीं हुई है, आप हमको बताइए किस सरकार में गुंडागर्दी नहीं है? गुंडागर्दी क्या भाजपा में नहीं है? अखिलेश यादव ने लैपटॉप या शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा दिया, इनकी सरकार जितने भी गोआश्रय स्थल हैं, कोई भी गोआश्रय स्थल इस समय समुचित ढंग से नहीं चल रहे हैं, और यहाँ से अब की बार विधायक मात्र संतोष पांडे ही होंगे और कोई नहीं। एक बात तो यहाँ पे आपने देखा संतोष पांडे यहाँ विधायक होंगे, और कुछ लोगों को कहना अगर समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा उनका टिकट भी कट जाता है तब भी वो संतोष पांडे इसके साथ ही होंगे विधायक। आप बताइए यूपी का सीएम कौन होगा? सरकार होगी संतुष्ट नहीं कर सकती। योगी जी ने तब भी गुंडागर्दी पर रोक लगाया, 5 आदमी से ज्यादा नहीं रहा, राशन प्रशासन इनका ठीक रहा, थोड़ा सा यही फ्री में राशन वोशन दे रहे हैं, यही गलत कर रहे हैं, फ्री में कुछ भी जनता को नहीं देना, जब मेहनत करके लोग खाएंगे तभी उसका महत्व समझेंगे, और यही जानवर वानवर थोड़ा अपना कंट्रोल कर ले, बाकी सरकार ठीक, गुंडे लफंगों की सरकार नहीं है, भले लोगों की सरकार हो, जो भला आदमी है वो खुश है, जो गुंडे लफंगे हैं वो नहीं, सरकार ठीक है जो भी रहे। ऐसा कहना है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। बहरहाल भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे, अपने अपने जो है विचारों को यहाँ पे रखे, अब हम यहाँ से अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं लभुआ विधानसभा में, और जानने की कोशिश करेंगे कि यूपी का सीएम कौन होगा। 190 विधानसभा लभुआ में जो है खड़े हुए हैं, ये 436 गांव का विधानसभा है, सुल्तानपुर की सबसे बड़ी विधानसभा है, यहाँ पर लगभग 5.5 लाख लोगों की जनसंख्या में लोग रहते हैं, और 4.5 लाख से ऊपर जो है यहाँ के मतदाता हैं। हम जो है यहाँ पर 2022 का विधानसभा चुनाव आ गया है, और उस विधानसभा के चुनाव में यहाँ हम लोगों से आज ये जानकारी करेंगे कि इस क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, और उत्तर प्रदेश का सीएम जो है इस बार कौन बनेगा। आज हमारे बीच तमाम लोग हैं, हम बाजार में जो है हैं, और बाजार में तमाम लोगों की बात करेंगे, और इस मुद्दे पर बात करेंगे जो है अब की 2022 के विधानसभा चुनाव में कौन जो है उत्तर प्रदेश का सीएम बनेगा। क्या नाम है भैया आपका? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अब की कौन होगा? योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहेंगे। योगी आदित्यनाथ क्यों? अखिलेश भी तो जो है आ रहे हैं, सपा भी तो आ रही है, तो सपा ने क्या काम नहीं किया? क्या काम कर रहे हैं? ठीक है, इनका ये कहना है कि जो है योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, और समाजवादी पार्टी भी लड़ रही, लेकिन योगी आदित्यनाथ की भी सरकार जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इनको बनेगी। हमारे बीच में जो है किसान हैं, और उनसे हम जानना चाहेंगे कि यूपी का सीएम जो है इस बार कौन होगा। यूपी का सारा क्या नाम है आपका? देखिए सर, हमारा नाम है विजय गौतम। कहाँ के रहने वाले हैं? यही गारापुर के। इस बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? इस समय मुख्यमंत्री क्या है, किसी की बहुत पूर्व बहुमत सरकार बनने वाली नहीं है, गठबंधन सरकार बनेगा,
या भाजपा मायावती बने या सपा मायावती बने, मतलब योगी आदित्यनाथ की पूर्व बहुमत सरकार बनने को उम्मीद नहीं दिख रहा है। अच्छा क्यों? हाँ क्यों? अब विकास जनता जैसे सोचे कि सबसे ज्यादा विकास जो हुआ है मायावती की तरफ से, अगर जनता चाह ले तो मायावती की सरकार आ सकती है। योगी आदित्यनाथ ने आप जिस जगह पे खड़े हैं ये मायावती सांसद के दिन है रोड पे, यहाँ के लोग तो कह रहे हैं कि जो है भाजपा, अरे भाई भाजपा की तरफ भाजपा लोग बात करेंगे, जनता जो अगर फैसला चाहेगा तो मायावती सरकार लाए, उनके सरकार जैसे चला है वैसे सरकार। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो मायावती कहीं जो है जना धारे नहीं थी, जहाँ तो ओपनिंग नहीं चल रहा है, मायावती का प्रचार बहुत तेजी चल रहा है। तो आज हम हमारे बीच में भाई और हैं, इनसे हम जानना चाहे यूपी का सीएम इस बार कौन होगा? योगी मुख्यमंत्री होंगे, योगी आदित्यनाथ। लेकिन समाजवादी पार्टी कह रहे कि हम आपकी उत्तर प्रदेश हमारी सरकार बनेगी, कहे कि हमारा न बने जो तो सभी कहे जो कही हमारी सरकार बने। 5 साल जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और यहाँ के देवमणी जी विधायक रहे, जो है यहाँ पे कौन सा विकास कार्य क्या बहुत काम की नैन योगी जी, बहुत दिन है कावनाई दिन है हर चीज दिन है, पैसा रुपया राशन पानी हर चीज देता है, छह महीने तक लगातार फ्री किया होता है ना, कब जाए भाई। किसान परेशान है, बेरोजगार है, बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ गई है, कड़वा तेल, अरे जब क्यों कुछ न करे महंगाई बढ़ गई करवा तो कहां महंगाई करिए, जिनका कहना है कोई कुछ करेगा नहीं तो महंगाई बढ़ेगी। हमारे भाई और जानना चाहेंगे उत्तर प्रदेश का सीएम कौन बनेगा? योगी आदित्यनाथ। सपा खुशिया कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनी, तो कहने दीजिए उसको, इलेक्शन बाद पता चलेगा ना। आज यहाँ पशु चिकित्सालय है और स्वास्थ्य विभाग में है, हाँ ये है थोड़ा भी यहाँ विधायक जो है क्षेत्र की समस्या का ध्यान कम देते हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री की योजनाएं है वो लगभग हर जगह पहुँच रही है, उसका फायदा भी सभी लोगों को मिल रहा है। मतलब आप मुख्यमंत्री जी से प्रभावित है, यहाँ क्षेत्रीय विधायक ने कुछ काम नहीं किया उससे मतलब आपको मतलब नहीं है, उसको मुख्यमंत्री को आपको मुख्यमंत्री मतलब। लेकिन जो है किसान परेशान है, बेरोजगारी है, महंगाई है, बेरोजगारी जब आदमी काम ही नहीं करेगा तो बेरोजगार थोड़ा भी करेगा, कहाँ काम की कमी है, कोई आदमी जब करने नहीं जा रहा बैठे बैठे सोच रहा कि हम डीएम बन जाए देखिए थोड़ी बन जाएगा, मैंने पढ़े लिखे जो पढ़ लिख रहे हैं वो आदमी नौकरी पा रहे हैं, अब देखिए नकल होकर के पास हुए हैं वैसे बैठे हैं देखिए थोड़ी नौकरी मिल जाएगा। साथी हैं उनसे हम जाना चाहें, भाई साहब का कहना है कि जब लोग कुछ करेंगे नहीं तो बेरोजगारी फैलेगी। देखिए बेरोजगारी फैली नहीं है, फैलाई जा रही है बहुत तरीके से, कभी लॉकडाउन करके भाई बीमारी थी लॉकडाउन किया गया, लोगों के माध्यम तौर तरीके जो हैं कुछ कार्य करने की नियम है परिवर्तन हो रहे हैं सारे में, कभी दुकान बंद है कभी मार्केट बंद है, महंगाई का श्रेय यही है कि सरकार का मतलब ये नहीं महंगाई लाई है, फिर भी इस सरकार में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, सिलेंडर पहले हम 700 रुपए। आपके लभुआ विधानसभा में कौन सा परिवर्तन आया है? पशु चिकित्सालय है जो स्वास्थ्य हमारे यहाँ गारापुर, इसमें भी काफी परिवर्तन, पहले जैसे पहले कोई डॉक्टर नहीं रहते थे उस सब अच्छे, अब सुधार हुआ है, काफी सुधार है इस सरकार। भोपाल घाट आज यहाँ के है, यहाँ का मान्यता ये है कि भगवान श्री राम जब जो है रावण का वध किए थे इस भोपाल घाट पे स्नान किए थे और अपने धनुष बाण को झूला था, उस भोपाल घाट का जो है यहाँ पे अभी तक जो है देखने विस्तारीकरण, जैसे आपके यहाँ विनोद सिंह मंत्री इसके जीते हुए थे, पर्यटन मंत्री थे, उसके बाद दो बार सपा जीती है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार है, उसका क्यों विकास नहीं हो पाया? क्या हुआ है पुल से? पुल बना नहीं तो पुल तैयार हो गया, 9 पुल और बने हैं इस सरकार। नहीं मैं पुल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भोपाल घाट की बात कर रहा हूँ, जहाँ के बाहर के लोग आते हैं, जिलों के लोग आते हैं, वहाँ विकास ना है। जनवारी धाम है जहाँ कंवाड़िए आते हैं, जनवारी धाम में क्या कोई हम तो जा रहे हैं, 2-3-4 कमरे बने हैं, साफ सफाई और कुछ पहले का पीछे बढ़ गया, मतलब पर्यटक स्थल के तौर पे यहाँ पे कुछ बना नहीं। तो आप आगे हम हमारे साथ जो है सही बोलता है, 5 साल इस बार उत्तर प्रदेश का सीएम कौन होगा? योगी
योगी आदित्यनाथ भी नहीं हुआ लोग बढ़िया तल्दी देता है समाजवादी हार गया नहीं है अरे भाई हमारी सरकार अरे उनकी सरकार बनेगी बिल्कुल किसान परेशान है किसानों के खेत में जो है सार जो है पूरा तो फंस रहे हैं या छोड़ दे मोबाइल दे देता है छोटो लड़के पे दस हजार बाबे सिलेंडर बताता ना भवाई पाओ मोबाइल भवाई लेता है 1000 में दादा सिलेंडर हो गया कहा भरा पाएगा 12000 मोबाइल होगी दादा 2022 चुनाव में यूपी का सीएम कौन अखिलेश लेकिन यहाँ तो लोग कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी सब समय आएगा पता लगेगा किसकी सपा की सरकार क्यों बनेगी सपा लोग कहते हैं सपा सरकार आती है तो उल्टा गर्दी बढ़ जाती है महंगाई सबसे ज्यादा है महंगाई चरम सीमा पे है बाकी जो है बेरोजगारी है हम लोग पढ़ के घूम रहे हैं सब बीएचपीटीसी करके घूम रहे हैं यहाँ लोग कह रहे हैं जब आदमी कुछ करने नहीं चाहेगा तो क्यों नहीं हम लोग कर रहे हैं तैयारी कर रहे हैं वो नहीं रही वैकेंसी आप कह रहे समाजवादी पार्टी इसी बीच जो है आगे आइए आगे हम लोगों से इस बार किसकी सरकार बनेगी भाजपा सरकार तो है ही है लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं जबकि हमारी सरकार बनेगी अखिलेश यादव दीजिए क्या किसी को मोदी योगी क्या बताइए कि किसान परेशान है साल जो है खेत चल ले रहा है महंगाई है तो दे भी रहे किसान को किसान ना सोचे तो क्या करे किसी का थोड़ी मोदी क्या दे रहा है किसान को 2000 रुपया दे रहे हैं राशन ले रहे हैं बिजली 18 घंटे हर सामान तो दे रहे हैं और क्या कर लंबुआ विधानसभा है यहाँ पर जो है करीब जो है 11 उम्मीदवार अब तक उतर चुके हैं जिसमें से अब तक के जो है बाहरी जो है प्रत्याशी ही यहाँ पे जो है ज्यादातर जीते हुए हैं भारतीय जनता पार्टी यहाँ ज्यादा जो है ज्यादा बार जो है जीती हुई है समाजवादी पार्टी 2 बार जीती हुई है यहाँ विनोद जो है पर्यटन मंत्री भी रहे हैं और भी लोग हैं जाना चाहेंगे ये अपनी इस बार उत्तर प्रदेश का सीएम कौन होगा योगी आदित्यनाथ लेकिन अखिलेश यादव तमाम लोग कह रहे हैं कि सपा गवर्नमेंट बनेगी 80-20 का चल रहा है ना जी लेकिन तो जैसे 65 में जैसे 100 में 65 अभी 100 में 65 अभी भाजपा ही है लेकिन जो महंगाई है मुद्दा है किसान परेशान है बेरोजगारी बड़ी हुई है कड़वा तेल 2 रुपये लीटर बिक रहा है रिफाइंड जो है 160-180 रुपये लीटर बिक रहा है उससे लोग परेशान करें क्योंकि जो है सोम में जहाँ महंगाई है वहाँ विकास भी है आपके क्षेत्र में क्या विकास राशन भी मिल रहा है 2000 रुपया मिल रहा है 5 रुपये भत्ता मिल रहा है महीने का भत्ता मिल रहा है ये जो आश्रम कार्ड बनवाए हैं आप इस खाते में आया श्रम कार्ड जो बनवाए हैं हाँ हमारे खाते में आया कितना आया है 1000 रुपये 1000 रुपये आपके खाते में 1000 वो किसान पीएम का 2000 रुपये लेकिन लोगों का राशन भी मिलता है लेकिन लोगों का कहना जो राशन मिल रहा है चना जो है चना में खून लगा हुआ है और नमक में जो है पानी मिला हुआ है वाले सब बात उड़ा रहे हैं अफवाह उड़ाया जा रहा है सारी बातें उड़ा रहे हैं ये अफवाह है हमारे बीच में और एक है देखा ये क्या है जब तक योगी और मोदी रहते जिनको हराना मुश्किल है आए हैं इससे बढ़िया हिंदू में और कौन है रक्षा करने वाला इससे और बढ़िया कोई नहीं अगर अखिलेश आएगा तो गुंडागर्दी बढ़ेगी हैं हम के का कहावत के है कि ये गुंडागर्दी पर लगाम लगाए हैं लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इनके राज में सबसे ज्यादा जो है गुंडागर्दी और जो है महिलाओं को हम तो कहीं नहीं देख रहे हैं इनके राज में गुंडागर्दी चल रहा है तो ऑल इंडिया में घूमते हैं
हम तो कहीं नहीं देख रहे हैं यूपी में गुंडागर्दी चल रही है, नहीं हो रही है। इनका कहना है कि इनके राज में न गुंडागर्दी है न जो है किसी प्रकार का वो है, मुक्त सरकार है, इसलिए अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी। हमारे बीच में और एक जगह है, क्या नाम है आपका? सोमनाथ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? आपकी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा? योगी जी। योगी जी, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हमारी गवर्नमेंट कहें, अखिलेश से क्या समस्या आपको? अखिलेश समस्या है, योगी ने काम किया है, मोदी जी ने काम किया है, विकास के नाम पे सबका साथ सबका विकास। आपके लम्हुआ विधानसभा में क्या विकास हुआ? लम्हुआ विधानसभा में बहुत विकास हुआ है, पुल, सड़क, उसके बाद इंदिरा आवास, मुख्यमंत्री आवास। ये तो पहले भी नहीं, पहले थी, लेकिन पहले के अपेक्षा पूरे प्रदेश में जो है इसका मान्यता है, लेकिन उसका भी तो हम देखे नहीं। बहुत सौंदर्यीकरण हुआ, बहुत सौंदर्यीकरण हुआ। पर्यटन मंत्री विनोद सिंह थे, वो भी किए, उसके बाद देवमर भी विधायक थे, वो भी किए, सड़क का काम हुआ है, अन्य योजना 35 किलो 30 किलो चना, रिफाइंड तेल, हर गरीब आदमी पा। लेकिन ये तो चुनाव आने पर जो है ये दे रहे हैं। नहीं, चुनाव के पहले भी, कोरोना काल के पहले भी 2000 रुपया किसान सम्मान निधि मिल रहा है गरीबों का खाद डालने के लिए। कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, लोग मर गए भाई। ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाली बात तो अलग है, मर गए वो सब। योगी सरकार कोई चाहे जो भी हो, लेकिन जो है सरकार जो है उत्तर योगी आदित्यनाथ की बनेगी। हमारे योगी सरकार में कोई नहीं मरा था कोरोना से। योगी सरकार अहमदाबाद हमेशा जो है मरते थे, 1 लाख मरते हैं, 100 लाख पैदा होते हैं इंडिया में। नहीं, इतने लोग जो है कोरोना से मैं कभी देखा ही नहीं, शहर में मैं था, फंसा हुआ था वहीं। कोरोना काल में इतने लोग जो है जो टीवी में दिखाई जा समाचार दिखाए वो झूठा है, कोई बीमारी नहीं है, कभी मास्क नहीं लगाया मैंने। मतलब आपको कोरोना से भी डर नहीं है? कोई डर नहीं। चलिए भाई, इनको कोरोना से भी डर नहीं है, ये कह रहे हैं हमको किसी चीज से कोई डर नहीं है। तो आपने जाना कि जनता का क्या है चुनावी मूड। कुछ लोग तो सरकार के काम से काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग चाहते हैं परिवर्तन। तो आखिर परिवर्तन होगा 2022 में या फिर सत्ता फिर से दोहराई जाएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी जनता की क्या राय है ये जानने के लिए देखते रहिए प्राइम पब्लिक और सरकार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।